छतरपुर एक्सप्रेस। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े भगवान नरसिंह मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। आज पूरे देश में रामलला के भव्य मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की धूम रही और मंदिरों में कीर्तन भजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इसी क्रम में लोगोश नगर के वार्ड क्रमांक 6 में मानसरोवर तालाब के किनारे बने प्राचीन भगवान श्री नरसिंह मंदिर का पूरी रीति रिवाज के साथ भूमि पूजन किया गया। भगवान नरसिंह का यह मंदिर प्राचीन कालीन मंदिर है और देख रेख के अभाव एवं प्रशासनिक उदासीनता के चलते जीर्ण छीण हो चुका है। इस मंदिर की प्राचीनता का सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है। यहाँ पर भगवान नरसिंह जी की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा विराजमान थी, जिसे मंदिर टूटने की दशा में राम जानकी मंदिर में विराजमान किया गया। आज पूरी रीति रिवाज और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मंदिर के पुनरुत्थान के लिए भूमि पूजन किया गया। मंदिर की ट्रस्ट कमेटी ने 22 तारीख को चुना। आज के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र खटीक, SDM लोकोश नगर, भाजपा नेता बाबू राम सिंह, पार्षद प्रतिनिधि किशन चौरसिया, ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी और ट्रस्ट के सभी सदस्यों के साथ तमाम राम भक्त उपस्थित रहे। सर, ये बहुत प्रतीक्षित मंदिर था जो बहुत सालों से जीर्ण शीर्ण था। ये कैसे आपको लगा, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए? ये राम जानकी मंदिर नरसिंह भगवान का ट्रस्ट है यहाँ जी, और शासकीय जमीन भी लगी हुई है, हर साल इसमें नीलामी भी होती है। ट्रस्ट के सदस्यों ने इस तरह की मांग रखी कि अपने पास पैसा है, किसी से अपन को लेना नहीं है, और आम जन सहयोग से भी है और अपने पास भी है, तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। तो सभी की सहमत से ये हुआ कि इसका जीर्णोद्धार हो जाए। इसका मूर्ति है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही रखा गया, ऐसा ट्रस्ट के सदस्यों का कहना था कि वही मुहूर्त रखा जाए जो अयोध्या में है, इसलिए। इसका कितनी लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा मंदिर का, कुछ अनुमानित राशि? धीरे धीरे जितना भी लग जाए अच्छा बनाएंगे। कब तक शुरुआत हो जाएगी इस कार्यक्रम की? हो गई, आज भूमि पूजन हो गया, हो गई, अब शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल हो गई। वैसे लवकुश नगर में सर एक बात है, ये गायत्री मंदिर एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे जज साहब, उनके द्वारा शुरुआत हुई थी, और फिर ये हनुमान मंदिर, रंजनी मंदिर, ये भी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा हुआ। शायद ऐसा सौभाग्य इस नगर का कि किसी प्रशासनिक अधिकारी यही कार्यक्रमों द्वारा उनकी प्रेरणा से ऐसा होता है। आपका क्या सम्मानना है? भगवान ये अधिकारियों को रगड़ देते हैं कि इधर इधर आओ। बाकी सब जनता का सहयोग है, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, इसमें हम भी अपना योगदान दे देते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं।